किलर मशीन, किलर मशीन, किलर मशीन। आने वाली मूवी किलर मशीन के नाम से जानी जाएगी, द घोस्ट। द घोस्ट एक ऐसी मूवी है जो तहलका मचाने वाली है साउथ इंडस्ट्री में, मतलब इंडियन इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली है। और इसका बजट भी ठीक ठाक है, 50 से 60 करोड़ का बजट है। इस मूवी में जो कास्ट किए गए हैं हीरो वो हैं नागार्जुन अक्किनेनी, काजल अग्रवाल, सोनल चौहान। नागार्जुन अक्किनेनी के बारे में तो आप जानते हो, मेरी जंग, मास, मास, डोन नंबर वन। डोन नंबर वन ने ऐसी वैसी मूवी दी है जो तहलका मचाती है साउथ इंडस्ट्री में, मजेदार मूवी है। हम बात कर रहे हैं द घोस्ट मूवी की। द घोस्ट मूवी 5 अक्टूबर को रिलीज हो रही है थिएटर्स में 2022 में। 2022 मतलब इसी साल में, अगले से अगले महीने रिलीज होकर ये तहलका मचाने वाली मूवी, गदर मूवी है। गदर मतलब गदर 2 भी रिलीज हो रही है आसपास ही, उसके मोशन पोस्टर्स आ रहे हैं। बट हम बात कर रहे हैं द घोस्ट मूवी की। घोस्ट मूवी में जो नागार्जुन है वो किलर मशीन होते हैं। किलर मशीन जैसे मूवी में तलवार का यूज ज़्यादा किया, तलवार ले, बंदूक ले, गोली ले, भाले ले, सब कुछ चीज़ का यूज़ किया गया। किलर मशीन के नाम से मूवी जानी जाएगी, द घोस्ट के नाम से नहीं जाएगी। ये मूवी जो है 2 घंटा 2 मिनट की है, मतलब कि 122 मिनट की मूवी है। 122 मिनट बहुत होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं। हम बात करें द घोस्ट की। घोस्ट में जो नागार्जुन की एक्टिंग है, काजल अग्रवाल की एक्टिंग है, सोनल चौहान की एक्टिंग है, मज़ेदार एक्टिंग है। उसकी तरह नहीं है कि लाइगर की तरह बिगर बात की एक्टिंग, झाड़ी यार कुछ भी नहीं बना दिया, कोई मूवी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई स्टोरी नहीं, लास्ट बिल्कुल बकवास, इस टाइप की मूवी नहीं है। मूवी ये है द घोस्ट, मज़ेदार मूवी है, अल्टीमेट मूवी है। इसमें जो एक्शन सीन्स हैं, जो तलवार चलाने के सीन है नागार्जुन के, आप जानते ही होंगे, द डोन नंबर वन में, डोन नंबर वन में उनके एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं, इस मूवी में बहुत अच्छे हैं। एंड एक्टिंग बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी। क्या पुराने हीरो हैं, 50-60 साल उम्र है, एक्टिंग तो अच्छी होगी। उनके जो बेटे हैं उन्होंने भी लाल सिंह चड्ढा में रोल किया है, वो फ्लॉप गई मूवी, फ्लॉप गई। बॉलीवुड मूवी तो फ्लॉप ही जा रही है, साउथ इंडस्ट्री चल रही है, साउथ मूवी का फ्लॉप आने का टाइम आ चुका है, बॉलीवुड उठने का टाइम आ चुका है। लाइगर मूवी स्टार्टिंग में फ्लॉप गई, मतलब फ्लॉप जा ही रही है मूवी, मज़ेदार मूवी नहीं है, काई दिन की मूवी ना है। उसी टाइप से अब ब्रह्मास्त्र आने वाले, ब्रह्मास्त्र उठेगी, ब्रह्मास्त्र के बाद, ब्रह्मास्त्र से पहले आएगी शायद, नहीं बाद में आएगी, पहले जन बाद में आएगी विक्रम वेदा। हम बात करते हैं द घोस्ट की। अगर आपको हमारा रिव्यू देना पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।